हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे बैंकर्स का डीए जो है नवंबर 2024 से क्या होने वाला है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे सीपीआई वैल्यू पर। तो एक्चुअल में क्या है कि जुलाई और अगस्त की जो सीपीआई वैल्यू है वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एजम्पशन करेंगे कि डीए क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड बैंक डीए फ्रॉम नवंबर 2024, एक्सपेक्टेड डीए कैलकुलेशन अपडेटेड 1 अक्टूबर 2024 ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 एंड विद द एजम्पशन ऑफ सीपीआई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024 एज मेंशन्ड हेयर अंडर। बात करते हैं सीपीआई इंडेक्स मंथ सीपीआई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 अनाउंस्ड एज 142.60 पॉइंट्स, डिक्रीज्ड बाय 0.10 पॉइंट्स ओनली फ्रॉम 142.70 पॉइंट्स इन जुलाई 2024। यानी कि जुलाई का जो सीपीआई वैल्यू था 142.70, उससे क्या है 0.10 पॉइंट डिक्रीज हुआ है, यानी कि अगस्त में 142.60 पॉइंट्स आया है। तो इसके आधार पर ये एजुम्पशन कर लेते हैं कि इसमें तीन कैटेगरी हो सकती हैं। तो ऑन एजुम्पशन इफ देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 0.50 पॉइंट्स ऑफ सीपीआई इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब ऐसा मान लेते हैं कि अगर सितंबर के सीपीआई वैल्यू में 0.50 पॉइंट्स की कमी होती है तो क्या होगा। ऑन दिस एजम्पशन वी मे एक्सपेक्ट दैट देयर वुड बी एन इंक्रीज ऑफ 2.24% डीए ओनली एंड द टोटल टेंटेटिवली रिवाइज डीए वुड बी 19.44% फ्रॉम नवंबर 2024 इन टर्म्स ऑफ 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। अगर सितंबर में 0.5 पॉइंट्स डिक्रीज होता है सीपीआई वैल्यू, तो जो आपका डीए होगा वो बढ़ेगा 2.24% नवंबर से। दूसरी एजुम्पशन क्या है, ऑन एजुम्पशन इफ देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ सीपीआई इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024, यानी कि ये मान लेते हैं कि सितंबर के सीपीआई वैल्यू में एज इट इज रहता है, यानी कि जो अगस्त का सीपीआई वैल्यू था वही सितंबर का रहता है, तो उस केस में आपका जो एक्सपेक्टेड डीए होगा वो होगा 2.40% जो कि इंक्रीज होगा। तो टोटल टेंटेटिवली रिवाइज्ड डीए कितना हो जाएगा 19.60% फ्रॉम नवंबर 2024। तीसरा एजम्पशन क्या है, ऑन एजम्पशन इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 0.50 पॉइंट्स ऑफ सीपीआई इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। ऐसा मान लेते हैं कि सितंबर के सीपीआई वैल्यू में 0.5 पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा। बी मे एक्सपेक्ट दैट देयर वुड बी एन इंक्रीज ऑफ 2.57% डीए ओनली एंड द टोटल टेंटेटिवली रिवाइज डीए वुड बी 19.77%, यानी इतना तक आपका डीए हो सकता है नवंबर 2024 से। तो आज कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।